नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल फादर्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक का जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी एंट्री मानव जीवन में इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी मानव प्लास्टिक के प्रयोग से अछूता नहीं रहा है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें से एक प्रोसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस मशीन का नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होती हैं? हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वो होती हैं जिसे हम हाथ से चला सकते हैं, जिसे हम मोटर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत हमें उसमें नहीं होती सिवाय मैन पावर के। ठीक, तो वो पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में बनी 1872 में हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाई गई, तो पहले इसका जो काम प्रोसेस होता था वो हाथ से ही होता था। ठीक, लेकिन अब हाथ से आप कोई काम कर रहे हो, आप हाथ से कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक रेशो मेंटेन नहीं कर पाओगे, एक अनुपात में कोई काम नहीं कर पाओगे। जब अनुपात में कोई काम नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी आएगी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम क्या आई, एक तो आप हैंड से कोई काम कर रहे हो तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा होगी, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो टाइम एक्सपेंड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। नंबर तीन, आपकी जो पार्ट बनाने का जो पार्ट बना है उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो भी इम्प्रूव नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। और इन्हीं तीन कारणों की वजह से क्या हुआ, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मशीन हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इम्प्रूवमेंट हुआ तो नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी क्या आई, सेमी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब जो सेमी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, इसमें जो है सुधारने की क्वालिटी और टाइम को सुधारने की कोशिश की गई। क्वालिटी कैसे सुधारी गई, अब जो भी काम हाथ से पहले हो रहा था अब उसे स्वचालित यानी कि ऑटो से किया जाने लगा। अब ऑटो से किया जाने लगा तो आप क्या करोगे, बहुत सारी चीज वैल्यू होंगी वो उसे फीड कर दोगे। मान लो आपने कोई उसमें प्रोसेस करना है, वो 3 सेकंड का देना है, कोई 10 सेकंड का देना है, कोई 50 सेकंड का देना है, कोई 20 सेकंड का देना है, तो वो क्या होगा, वो 20 ही सेकंड में होगा। आपने उसमें प्रेशर फीड कर दिया कि आपको 200 बार का प्रेशर देना है, तो वो कितना लेगी, वो 200 ही बार का लेगी। आपने स्पीड तय कर दी कि आपको ये 40 mm/s जाना है, 40 mm/s की स्पीड से तुम्हें जाना है, तो वो उसी स्पीड से जाएगी। तो अब आपने क्या कर दिया, उसकी एक टाइम लिमिट बांध दी। अब वो टाइम लिमिट जब उसकी बांध दी तो वो किससे चलेगी, टाइम लिमिट से ही चलेगी। टाइम लिमिट से चलेगी तो क्या होगा, क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। अब क्या होने लगा, सेमी का मतलब एक तरीके से आप ये सोच, इसमें नॉर्मल सीधे शब्दों में आप ये सोच सकते हो कि जब मशीन, अब ये मशीन जब चलती थी तो आधा काम जो मैन पावर थी उसका उसे करना होता था और आधा काम मशीन खुद करती थी। ठीक, तो इसके बाद में ये काम थोड़ा चलता रहा, लेकिन अब प्रॉब्लम एक जगह आ गई, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी जो टाइम था वो ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा टाइम, क्योंकि जो मैन पावर थी, जो ऑपरेटर था, वो मशीन का गेट खोलता था, पार्ट को निकालता था, फिर वो बंद करता था। कुछ ऑपरेटर ऐसे होते थे जिनकी स्पीड गेट खोलने की, पार्ट निकालने की ज़्यादा थी, पार्ट को इंजेक्ट करने की ज़्यादा थी। कुछ ऑपरेटर ऐसे थे कि उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, तो तुम्हारा प्रोडक्शन जो होता था उसमें क्या होता था, टाइम ज़्यादा लग जाता था। अब और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो अब नई टेक्नोलॉजी लेके आया गया। नई टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, अब जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी अब उसे फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया गया। अब जो मैन पावर है आप उसकी छुट्टी कर दीजिएगा, अब वो स्वतः चली चलेगी, यानी कि अब वो ऑटो में चलेगी। अब जब ऑटो में आ गई, ठीक है, ऑटो में चलने लगी वो, अब प्रॉब्लम क्या आई, कुछ पार्ट ऐसे थे जिसे आप ऑटो में नीचे गिरा सकते थे, कुछ पार्ट ऐसे थे जिसे आप ऑटो में नीचे नहीं गिरा सकते, वो डैमेज हो सकता है, वो टूट सकता है, वो बैंड हो सकता है, कुछ भी एक्सेट्रा उसमें हो सकता है, तो आप उसे नीचे नहीं गिराओगे। अब नीचे नहीं गिराओगे, अब ऑटो भी लेके आ रहे हो और पार्ट नीचे भी नहीं गिरा रहे हो, तो फिर तो आप ऑटो नहीं चला पाओगे, क्योंकि ऑटो का काम ही क्या होता है, पार्ट को नीचे गिरा देगी। अब पार्ट तो नीचे गिरेगा तो डैमेज हो जाएगा, तो आप ऑटो में नहीं चला सकते, फिर से आप सेमी में चलाना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम आ गई। अब जो काम हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग से, जो प्रॉब्लम हम फेस करते आ रहे थे हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग से, फिर उसके बाद में सेमी ऑटोमेटिक से, इसके बाद में हम फुल्ली ऑटोमेटिक लेके आए, लेकिन अब भी जो टाइम लिमिट थी वो भी उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई। इसके बाद में अब नई टेक्नोलॉजी क्या आई, नई टेक्नोलॉजी आई रोबोट सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि ऑटोमेशन का
जो है युग परिवर्तन होता जा रहा है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे, तो नई चीज़ें आई तो अब रोबोट आया। अब रोबोट ने क्या काम करने लगा, जो छोटे पार्ट थे जो हम गिरा सकते थे मशीन से नीचे, उसे तो मशीन नीचे गिरा देती थी, अगला शॉट लेने लग जाती थी, लेकिन जिन पार्टों को तुम नीचे नहीं गिरा सकते उनकी वजह से आपको सेमी में मशीन चलानी पड़ रही है और उसमें टाइम एक्सपेंड ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपने रोबोट सेटअप कर दिए मशीन के ऊपर। अब रोबोट क्या करेगा, जैसे ही आपका मोल्ड ओपन होगा, इजेक्टर लगेगा, रोबोट उस पार्ट को पकड़ेगा और निकाल के बाहर आ जाएगा। अब ये समय जो था वो तुम्हारा कम हो गया। अब ये प्रॉब्लम जो समय की आ रही थी वो सारी सॉल्व हो गई। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कंपनी कोई भी होती है वो दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, नंबर एक तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारे जो पार्ट है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर दो, तुम्हारा जो टाइम लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होना चाहिए, क्योंकि टाइम अगर कम लगेगा किसी भी चीज़ में तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, कंपनी को बेनिफिट होगा। और कंपनी ऐसे ही ऑपरेटरों की तलाश रखती है कि जो अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें और स्पीड टाइम लिमिट में काम करें, तो ऐसे ऑपरेटरों को ही मशीन जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा हायर करने की कोशिश करती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन थी उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या पार्टों के नाम होते हैं, कितनी कैटेगरी में हम उस मशीन को डिवाइड करते हैं, कैसे वो काम करती है, क्या क्या उसमें होता है, टाइम लिमिट कैसी होती है, वो सारी चीज़ें हम उसमें आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। तो जो फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसे हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, नंबर एक है तुम्हारी क्लैम इंजेक्शन यूनिट, जो आप देख रहे हो ये हमारी है इंजेक्शन यूनिट। नंबर दो, क्लैंपिंग यूनिट, ये इंजेक्शन यूनिट हो गई, ये क्लैंपिंग यूनिट हो गई, दो यूनिट हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसे हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पर भी मार्क कर दिया, मैंने यहाँ पर भी मार्क कर दिया, मैंने कोई एक बीच का पोर्शन छोड़ दिया। ठीक, लेकिन वो भी क्या लग रही है, वो आपको एक अलग सी यूनिट लग रही है, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया देखते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको क्या बताना है, क्लैंपिंग यूनिट, इंजेक्शन यूनिट, क्लैंपिंग यूनिट। तो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होती है, एक तीसरा भाग भी होता है, लेकिन हम इससे मशीन का भाग नहीं बोलते, इसका नाम होता है हमारा मोल्ड, जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, इसका नाम हो गया हमारा मोल्ड। तो ये जो मोल्ड होता है ये मशीन का पार्ट नहीं होता, तो हम इसे क्या करते हैं, मशीन में नहीं गिनते, ये हमारे टूल रूम का पार्ट होता है, वही इसे मेंटेन करते हैं। ठीक, तो हमने देखी, एक तो हमारी इंजेक्शन मोल्ड इंजेक्शन यूनिट हो गई और एक हमारी क्लैंपिंग यूनिट हो गई। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, आइए सबसे पीछे हम देखते हैं, हमें दिखाई दे रहा है एक मोटर। ठीक, जैसे हमने देखा कि एक मोटर है, तो मोटर जैसे ही वर्ड आया तो हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई चीज़ तो घूम रही है, क्योंकि मोटर क्या काम करेगा, घुमाएगा, और घुमाएगा तो किसी चीज़ को तो मशीन में घुमा रहा होगा ना, तो अगर वो घुमा रहा है तो किसे घुमा रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये जॉइंट है एक रोड के साथ, और ये रोड क्या है, एक थ्रेड वाली रोड आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस थ्रेड में होता क्या है, इसका नाम होता है हमारा स्क्रू, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो स्क्रू क्या करता है, घूमता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा स्क्रू है वो घूमता है तो कैसे घूमता है, क्या वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा स्क्रू घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी के विपरीत दिशा में ही हमेशा घूमता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है हमारे होपर का। ठीक, अब ये होपर क्या चीज़ है, होपर क्या चीज़ होती है, मशीन में लगा एक बॉक्स टाइप का ऊपर बना होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल, जिससे हम मटेरियल से पार्ट बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल इसमें हम डाल देते हैं। ये क्यों डालते हैं, ताकि हमारी जो है एक्स्ट्रा मैन पावर ना लगानी पड़े, टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हम थोड़ा मटेरियल वेट करेंगे फिर से मशीन में डालेंगे पार्ट बना लेंगे, फिर वेट करेंगे फिर मशीन में डाल लेंगे पार्ट बना लेंगे, तो ऐसा क्या होगा, हमारी टाइम लिमिट बढ़ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इस होपर का उपयोग करते हैं, एक बार इसमें मटेरियल भर देते हैं, और एक बार जब मटेरियल इसमें भरा गया, भरने के बाद में वो जितनी ही उसे मशीन को हमारी पार्ट बनाने की जरूरत है उतना ही मटेरियल से मटेरियल कहाँ आएगा, हमारे बैरल में आएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यहाँ ये मटेरियल था,
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्या मटेरियल जो रॉ मटेरियल आता है क्या वो आते ही मशीन में हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नमी को सोखते हैं, नमी उनमें पाई जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मटेरियल को गर्म करना पड़ता है, जिसे प्री ड्रायर कहते हैं। ठीक है, प्री ड्राइंग करना होता है। प्री का मतलब पहले, ड्राई का मतलब सुखाना, तो दोनों वर्ड हो गए, तो प्री ड्राइंग करना पड़ता है। तो प्री ड्राइंग क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि मटेरियल में जो नमी है, ठीक, मटेरियल में जो नमी है उसे हम दूर करते हैं। ठीक, उसे हम दूर करेंगे तो मटेरियल में नमी, अब क्वेश्चन क्या आता है कि जी हम मटेरियल से नमी दूर क्यों कर रहे हैं, कोई तो कारण होगा। ठीक, बिल्कुल सही बात, कोई कारण इसलिए होगा क्योंकि जो मटेरियल में नमी होगी वो जब हमारे पार्ट में जाएगी तो पार्ट में एक डिफेक्ट आता है, जिस डिफेक्ट का नाम होता है सिल्वर मार्क। जी हाँ, याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे मटेरियल में, रॉ मटेरियल में नमी है तो कौन सा डिफेक्ट हमारे पार्ट में आने वाला है, तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा सिल्वर मार्क हमारे जो पार्ट है उसमें आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम एक बार हॉपर को देख लेते हैं कि उसकी जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसी होती है जब वो प्री ड्राई करता है। ठीक, चलो चलते हैं। ठीक, ये आप होपर देख रहे हो। ठीक, ये क्या है, इसका नाम होता है होपर ड्रायर। ठीक, ड्रायर का मतलब सुखाना एक तरीके से। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो आप बॉक्स टाइप दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भर दोगे आप, रॉ मटेरियल भर दोगे। अब इस रॉ मटेरियल जब को भर दिया तो अब इसे क्या करना है, सुखाना, नमी को सुखाना है। तो नमी को हम ऐसे डायरेक्ट गर्म तो इसे कर नहीं सकते, तो हम क्या कराते हैं, हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है जो हम इस मटेरियल के बीच से पास कराते हैं। तो कैसे कराते हैं, आप ये देख रहे हो, ये ऊपर देखो, ये ब्लोअर है। ठीक, ब्लोअर का काम क्या होता है, हवा देना, बाकी हमारा कोई काम नहीं, हम सिर्फ हवा दे सकते हैं। ठीक, तो हवा को गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म हवा होगी कैसे, तो हीटर लगाने पड़ेंगे। ये जो बीच में सर्किट लगा होता है, ठीक, इसमें हीटर लगे होते हैं, और ये ही इस जो एयर ब्लोअर से आने वाली है, इस ब्लोअर से जो एयर आ रही है उसे ये ही सर्किट जो लगा होता है, ये सिस्टम जो लगा होता है, वो क्या करता है, इसे गर्म जो ठंडी एयर है उसे गर्म एयर में कन्वर्ट कर देता है। और अब वो जो होगी वो यहाँ से ऊपर जाएगी और इस पूरे होपर ड्रायर से ये हवा जो है पास होगी। और जब गर्म मटेरियल जो तुम्हारा रॉ मटेरियल है उससे गर्म एयर जो होगी, जो हॉट एयर होगी, वो पास होगी, तो वो क्या कर देगी, नमी को सुखा देगी। ठीक, इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। इसके बाद में आता है कि इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे दो क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। नंबर एक कि जी जिस होपर जो तुम्हारा प्री ड्राइंग टाइम है वो क्या होता है, जो तुम्हारा प्री ड्राइंग टेम्परेचर है वो क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नंबर एक हम देखते हैं प्री ड्राइंग टेम्परेचर। तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर होता क्या है, तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर क्या होता है, तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर ये होता है कि जितने टेम्परेचर पर हम किसी भी मटेरियल को प्री ड्राइंग करते हैं, यानी कि उसकी नमी को सुखाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्री ड्राइंग टेम्परेचर बोलते हैं। अब नमी को हम सुखा रहे हैं, टेम्परेचर हमने दे दिया, तो कितनी देर के लिए, ये तो होता है ना कि कितनी देर के लिए। तो जो प्री ड्राइंग टाइम होगा, ठीक है, प्री ड्राइंग क्या होगा, टाइम होगा, वो टाइम क्या होगा, उसे बोल देंगे प्री ड्राइंग, यानी कि कितने टेम्परेचर पे किसी रॉ मटेरियल को आप कितने टाइम के लिए रख रहे हो। दोनों चीज़ आ गई, प्री ड्राइंग टेम्परेचर और प्री ड्राइंग टाइम। ठीक, दोनों चीज़ आ गई, अब हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पर थे। ठीक, हम होपर देख चुके, होपर जब हम देख चुके तो अब हम देखते हैं तुम्हारा स्क्रू। तो हमने देखा था कि स्क्रू जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो हम बात अगर हम पूरे स्क्रू की करें तो स्क्रू को भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसे हम करते हैं तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्रू को हम क्या करते हैं, तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। जो इसके पीछे का जोन होता है ये वाला, ठीक, इसके बैकवर्ड वाला जोन होता है, इसे हम बोलते हैं फीड जोन। बीच वाला जो जोन होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन जोन या कंप्रेशन जोन। इसके आगे जो जोन होता है स्क्रू का उसे हम बोलते हैं मैट्रिक जोन। तो हम इसकी बात करते हैं एक बार, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इसी नाम से ही आपको पता लगेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि किन्हीं
दो चीजों को जोड़ने वाली या अलग करने वाली चीज, यानी कि यहां से अगर हमें यहां पर जाना है, एक सेकेंड, यहां से अगर हम यहां पर जाना है तो आप बीच में से निकल के जाओगे, तो एक बीच में फेस पड़ेगा जिसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो फीड जोन है और मैट्रिक जोन है, जो ये बीच का ट्रांजिशन जोन है, वो इन दोनों को अलग भी करता है और इन्हें जोड़ता भी है। ये दोनों काम करने का हमारा काम करता है। ठीक, अब जो मटेरियल होगा, जो मटेरियल हमने क्या कर लिया, प्री ड्राइंग हमने कर लिया, नमी उसकी सुखा ली है, अब वो मटेरियल कहाँ जाएगा, हमारे बैरल के अंदर जाएगा। ये आप देख रहे हो जिसके अंदर हमारा स्क्रू लगा हुआ है, ये क्या होता है, बैरल। ठीक, अब बैरल क्या होता है, इसे समझने वाली बात है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि बैरल क्या होता है, तो आप सीधे शब्दों में दे सकते हो इसका जवाब। क्या कहोगे, बैरल एक प्रकार का सिलेंडर होता है। क्या होता है, बैरल एक प्रकार का सिलेंडर होता है जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल को फीड जोन से मैट्रिक जोन तक ले जाने का कार्य करता है। एक बार फिर सुनिए, बैरल एक प्रकार का सिलेंडर होता है जो प्लास्टिक मेल्ट मटेरियल को फीड जोन से मैट्रिक जोन तक ले जाने का कार्य करता है। ये सिंपल शब्दों में, सादे शब्दों में आप बोल सकते हो कि ये बैरल का काम होता है। अब मटेरियल बैरल के अंदर आ चुका है, अब क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे हीटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो हीटर यूज किए जाते थे वो कार्टराइज हीटर यूज किए जाते थे, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है, हम जो यूज करते हैं वो कौन से हीटर यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैंड हीटर। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हीटर लगे हुए हैं, ये हीटर लगे हुए हैं, ये हीटर और ये हीटर लगे हुए हैं। बैंड हीटर क्यों, क्योंकि बैंड हीटर और कार्टराइज हीटर में डिफरेंस क्या होता है। मान लो ये हमारे तीसरे नंबर का हीटर है, मान लीजिए ये हमारे तीसरे नंबर का हीटर है और ये क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो कार्टराइज हीटर में क्या करते थे, पहले इन दोनों को बाहर निकालो, इसे भी बाहर निकालो, फिर ये बैंड हीटर बाहर निकाल के दूसरा नया चेंज होता था। ठीक, तो उसमें क्या होता था, टाइम लिमिट ज़्यादा लग जाती थी, टाइम ज़्यादा लग जाता था। लेकिन जैसे ही बैंड हीटर आए, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ये अगर ये हमारा थर्ड नंबर का जो हीटर था वो ख़राब हो जाता है, तो हम इसे यहीं से खोलेंगे और उसे बाहर निकाल लेंगे और यहीं से उसे दोबारा लगा देंगे। यानी कि एक तरीके से ये बैंड हो सकते हैं, इसलिए हमसे कहा बैंड हीटर। और आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा चलन में हैं। ठीक, इतनी बात हुई। अब क्या होता है, अब हमारा जो मटेरियल है वो मेल्ट हो चुका। अब यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये हीटर तो आप देख ही चुके। इसके बाद में आती है वाल्व। अब ये वाल्व क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक, आपको शायद पढ़ने को मिलेगा या आपने सुना भी हो, तो इसे बोलते हैं हम NRV। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, हम NRV। ठीक, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, NRV। इसे क्या बोलते हैं, NRV भी हम इसे बोलते हैं। NRV का मतलब क्या होता है, ठीक, NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। अब इसी के नाम से पता लगता है, नॉन का मतलब नहीं, रिटर्न का मतलब वापस जाने से, और रॉक का वाल्व मतलब किसी चीज़ को वाल होती है। ठीक, अब ये होती क्या है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो नॉन रिटर्न वाल्व करती क्या है, अब एक चीज़ ये देखो, ये वाल जो लगी हुई है ये आपको दिखाई दे रही है, आप इसे जूम करके देख सकते हो, ये जो वाल लगी हुई है, ये वाली जो वाल लगी हुई है, तो ये वाल लगी हुई है तुम्हारे नोजल के स्क्रू के आगे लगी हुई है। ठीक, और आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ से बिल्कुल, ये यहाँ से बिल्कुल सटी हुई है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इससे बिल्कुल सटी हुई है। यानी कि अगर मैं ये मटेरियल है तो ये मटेरियल वापस नहीं जाएगा। ठीक है, ये जाने से रोकती है। अब कब रोकती है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये रोकती तो है लेकिन कब रोकती है। तो ये रोकती है तुम्हारी जब इंजेक्शन होगा। ठीक है, जब इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के दौरान, क्या बोल सकते हैं हम, इंजेक्शन के दौरान प्लास्टिक रॉ मटेरियल मेल्ट मटेरियल को जो NRV होती है वो कहाँ जाने से रोकती है, वो वापस जाने से रोक देती है। ठीक है, वापस जाने से, बैरल में वापस जाने से उस चीज़ को रोक देती है। यानी कि यहाँ अगर मटेरियल भरा हुआ है, तो NRV से पे जब ये मटेरियल प्रेशर पीछे की तरफ लगाएगा
तो ये वाल क्या हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। और जब ये बंद हो जाएगी तो मटेरियल कहाँ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब उसे कहाँ जाना पड़ेगा, नोजल के रास्ते निकलते हुए मोल्ड के गेट से कहाँ भरना पड़ेगा उसे, यहाँ पर कैविटी में जाना पड़ेगा। और यहीं पर क्या बन जाएगा हमारा, यहीं पर हमारा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। चलो मान लिया ये मटेरियल कहाँ चला गया, ये कैविटी में चला गया। तो हमने देख ली, नॉन रिटर्न वाल्व देख ली, हीटर देख लिए, बैंड हीटर यूज किए, स्क्रू देख लिया, और तुम्हारा होपर देख लिया, और होपर ड्रायर देख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं हम क्लैंपिंग यूनिट में। ठीक, आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, तो हम देखते हैं कि क्लैंपिंग यूनिट होती क्या है। ठीक, चलो देखते हैं। ये हमारी क्लैंपिंग यूनिट हो गई, ये हमारी क्लैंपिंग यूनिट हो गई। अब क्लैंपिंग यूनिट, क्लैंप, क्लैंप का मतलब एक तरीके से किसी चीज को कसना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तीन तरह की चीजें देखते हैं इसमें। एक तो हम देखते हैं टॉवल टाइप, क्योंकि अगर हम क्लैंप कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर हम क्लैंप कर रहे हैं तो हम किससे कर रहे हैं, टॉगल से कर रहे हैं। नंबर दो होती है हमारी हाइड्रोलिक रैम वाली। ठीक, हाइड्रोलिक रैम सिस्टम होता है, उससे हम क्लैंप कर रहे हैं। नंबर तीन होती है हाइड्रो मैकेनिकल यूनिट होती है, उससे हम क्लैंप करते हैं। हम तीन प्रकार से क्लैंप कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर चलन में है वो कौन सी मशीन है, जो कौन सी है, वो है टॉगल टाइप। ठीक है, ये टॉगल लगा हुआ है। अब ये करती क्या है, अब ये जो करती है, ये जो हमारी मोल्ड यूनिट है, तीसरी यूनिट अगर हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन मशीन का ये पार्ट नहीं होता, अलग से लगाया जाता है, हम इसे मशीन का भाग नहीं बोलते हैं। जब तक ये लगाया ना जाए तो ये जहाँ पर लग जाता है, तो ये जो मोल्ड है हमारा, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक, एक जो इधर वाला भाग होगा उसे हम बोलेंगे कैविटी। क्या बोलेंगे, कैविटी, या फीमेल पार्ट भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि फीमेल पार्ट किसे बोलते हैं, तो हम कैविटी को फीमेल पार्ट बोलते हैं। नंबर दो पे हम देखते हैं ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा कोर पार्ट होता है, मोल्ड का दूसरा पार्ट, कोर पार्ट। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम मेल पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम थोड़ी सी मोल्ड के बारे में बात करें, तो मैं तुम्हें एक बार मोल्ड में दिखा देता हूँ कि कहाँ की बात चल रही है। एक सेकंड। ठीक, ये देखो मोल्ड। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें इस मोल्ड की, ये क्या रहा है, पूरा का पूरा मोल्ड रखा हुआ है। ठीक, तो ये जितना ये भाग हो गया, ठीक, ये जो इतना इतना भाग हो गया इधर वाला, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कोर पार्ट हो गया, ये लिखा भी हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो इसे, यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा कोर भाग हो गया। ठीक है, मोल्ड का। और इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था मेल पार्ट भी बोला था। ठीक है, और इधर वाला जो हो गया, ये तुम्हारा जो इधर वाला हो गया ये कोर हो गया, और ये इधर वाला हो गया वो कैविटी हो गया, दोनों हो गए। यहाँ पर कुछ पार्टों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये जो रेड थे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं स्प्रू बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, स्प्रू क्या काम करता है, जो मटेरियल नोजल से आ रहा है, जो हमारे बैरल से मटेरियल आ रहा है, वो किसके रास्ते अंदर जाएगा, मोल्ड में कैविटी में जब इस जाएगा तो किसके रास्ते जाएगा, वो इस स्प्रू के अंदर रास्ते जाएगा। अब स्प्रू के रास्ते अंदर चला गया, अब वो क्या होगा, एक तो ये कैविटी, एक ये, तो इन दोनों में जो मटेरियल पहुंचेगा वो किसी रास्ते से तो पहुंचेगा, और जो उस रास्ते से पहुंचेगा उसे हम बोलेंगे रनर। ठीक है, रनर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये अपने मोल्ड में कैविटी में मटेरियल पहुंचेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रनर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लोकेटिंग रिंग। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकेटिंग रिंग कहाँ लगी होती है और इसका काम क्या होता है, तो आप इसे देख सकते हो कि ये कहाँ पर लग रही है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि जो लोकेटिंग रिंग होती है वो कैविटी में लगी होती है। कहाँ पर लगी होती है, कैविटी में, ये लिखा हुआ। ठीक है, इसकी थोड़ी स्पेलिंग मिसिंग है, तो ये कैविटी में लगी होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, अगर हम मोल्ड, मान लो एक सेकेंड सुनो, अगर हम बात करें, यहाँ पर नोजल है, यहाँ पर क्या है, नोजल है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो इसका गेट है वो थोड़ा ऊपर है, लेकिन मोल्ड का क्या है, थोड़ा नीचे है। और जब हम क्या करेंगे, नोजल से मटेरियल को मोल्ड में भेजेंगे तो क्या करेगा, लीकेज करेगा,
तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा मोल्ड है उसके गेट का अलाइनमेंट हमारे नोजल के गेट से सही तरीके से नहीं हम कर पाए हैं। मोल्ड हमने क्या लगा दिया, मोल्ड हमने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया या नीचे लगा दिया, तो सही अलाइनमेंट नहीं हुआ। तो हमारी जो लोकेटिंग रिंग होती है, ये जो लोकेटिंग रिंग होती है ये क्या काम करती है, सीधे शब्दों में अगर कोई पूछता है कि लोकेटिंग रिंग का काम ही क्या होता है, तो लोकेटिंग रिंग का काम होता है नोजल और मोल्ड का सही अलाइनमेंट करना। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमारी जो लोकेटिंग रिंग मशीन में लगी होती है उसका जो काम होता है वो नोजल और मोल्ड का सही अलाइनमेंट करने का काम किसका होता है, लोकेटिंग रिंग का होता है। लगी कहाँ होती है ये कैविटी में लगी होती है, ठीक है, कैविटी की बैक प्लेट में। ये चीज़ हमने देख ली। इसके बाद में हम थोड़ा सा थोड़ा मोटा मोटा ही समझेंगे क्योंकि इसे बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें होता है ये लिखा हुआ स्पेसर ब्लॉक। ठीक, स्पेसर का मतलब होता है स्पेस से, ये किससे बना है, स्पेस से। स्पेस का मतलब होती है जगह, ठीक है। और ये जो ये बात कर रहा है, ये इस जगह की बात कर रहा है, ठीक, ये जो खाली पड़ी जगह है, ये वाली और ये वाली जो खाली पड़ी जगह है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब इसकी बात क्यों कर रहा है, इसकी बात इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो प्लेट है इसका नाम होता है इजेक्टर प्लेट। क्या नाम होता है, इजेक्टर प्लेट। तो ये क्या करती है, ये आगे जाती है, ठीक है, ये जो इजेक्टर प्लेट होती है कहाँ जाती है, आगे जाती है। और जब ये आगे जाएगी तो इसमें जो लगी इजेक्टर पिने हैं वो कहाँ जाएंगी, वो भी आगे जाएंगी, और वो किससे टकराएंगी, वो इस पार्ट से टकराएंगी। और जब पार्ट से टकराएंगी तो पार्ट को कहाँ निकाल देंगी, वो बाहर निकाल देंगी, सीधी सी बात है। तो इजेक्टर जो प्लेट है, हम बोल सकते हैं कि स्पेसर ब्लॉक क्या होता है, तो स्पेसर ब्लॉक का काम होता है कि जो हमारी इजेक्टर प्लेट होती है वो कहाँ मूव करती है, वो स्पेसर ब्लॉक में ही गति करती है, आगे जाती है पीछे जाती है। अब अगर ये स्पेस ही नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगी पीछे भी नहीं जाएगी, एक जगह वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए स्पेसर ब्लॉक ये होता है इसमें। इसके बाद आती है ये इजेक्टर प्लेट, ये तुम्हें देख ही ली, ठीक है, ये इजेक्टर प्लेट होती है। अब आप ये भी कह सकते हो कि जी इलेक्ट्रो प्लेट के अपने आप चलती है, नहीं अपने आप नहीं चलती है, ठीक है, इसके पीछे क्या लगी होती है, एक रोड लगी होती है यहाँ पे, ठीक। इसे हम दो नामों से जानते हैं, कहीं भी कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है। नंबर एक इजेक्टर रोड बोल सकते हैं इसे, और नॉकआउट रोड बोल सकते हैं, इन दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने मोल्ड देख लिया, तो मोल्ड देख लिया। अब एक चीज आती है कि जी ये जो मोल्ड लगा कहाँ पे हुआ है, क्लैंपिंग यूनिट में तो लगा हुआ है, ये तो बात सही है, लेकिन ये लगा कहाँ होता है। एक तरफा तुम्हारा कोर पार्ट कैविटी पार्ट हो गया, एक तरफा तुम्हारा कोर पार्ट हो गया, तो ये कहीं तो लगे होंगे। जी हाँ बिल्कुल, दो प्लेटें होती हैं, ठीक है, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ठीक है, दो प्लेट होती हैं। इस प्लेट का जो नाम होता है वो होता है फिक्स प्लेट या स्टेशनरी प्लेट, ठीक है, और इस प्लेट का जो नाम होता है वो नाम होता है मूवेबल प्लेट या गतिशील प्लेट, ठीक है। ये दो प्लेट हमारी जो क्लैंपिंग यूनिट है उसमें पाई जाती हैं। अब ये जो काम क्या है, जो हमारा कैविटी पार्ट होता है वो कहाँ लगा होता है, फिक्स प्लेट में, ठीक है, ये जो कैविटी का ये वाला हिस्सा हो गया ये कहाँ लग गया, फिक्स प्लेट में लग गया, ठीक है। फिक्स प्लेट का मतलब ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जहाँ पर रखी हुई है वहीं पर ये रखी होगी, ठीक है, लगी होगी। इसके बाद आती है तुम्हारी मूवेबल प्लेट, तो इसमें कौन सा मोल्ड का कौन सा पार्ट लगा होगा, इसमें कोर पार्ट लगा होगा, कौन सा, कोर पार्ट लगा होगा। तो अब कोर पार्ट लगा होगा किस में लगा होगा, गतिशील प्लेट में। जब गतिशील प्लेट में होगी तो वो क्या करेगा, गति करेगा, सीधी सी बात है। अब गति करेगा तो क्या करेगा, मोल्ड को ओपन क्लोज करेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारी मूवेबल प्लेट होती है वो गति करती है और उसमें मोल्ड का कोर पार्ट लगा होता है, और वही क्या करती है, मोल्ड को ओपन और क्लोज यानी कि बंद और खोलने का काम करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो फिर चलते हैं। अब ये जो हमारी प्लेट है, कौन सी प्लेट, ये जो हमारी प्लेट है मूवेबल प्लेट, ये क्या हवा में चलती है, नहीं हवा में तो नहीं चलती, तो फिर कहाँ पर चलती है, ये टाई बार में चलती है। जी हाँ, ये टाई बार पे चलती है। अब ये टाई बार क्या है, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये टाई बार पे चलती है। अब कोई पूछता है कि जी टाई बार क्या होती है, ठीक है, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। टाई बार क्या होती है, एक सिल्वर कलर की चार रोड होती हैं, एक ये रोड है, ये आप दिखाई भी दे रहे होंगे, इधर की साइड निकली हुई है, ये रोड है। तो हमें दो दिखाई दे रही हैं, दो रोड नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है ये क्या है, 2D है, यानी कि 2 डायमेंशन है। अगर हम 3D की बात करें तो हमें ये चारों की चारों रोड दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारी जो स्क्रीन है वो 2D है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन होती कितनी है, चार होती हैं। तो ध्यान रखना,
कि जो हमारी टाई बार होती है वो फुली ऑटोमेटिक जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें चार रोड होती हैं सिल्वर कलर की। अब ये रोड को काम क्या होता है, इन रोड का काम होता है कि जो हमारी मूवेबल प्लेट है यानी कि गतिशील प्लेट है वो इन रोड के ऊपर ही इधर उधर क्या करती है, गति करती है, ठीक है, वो गति करने का काम करती है। जब हम मूवेबल प्लेट इधर जाएगी तो मोल्ड ओपन होगा, जब मूवेबल प्लेट इधर जाएगी तो मोल्ड क्लोज होगा, जब इधर जाएगी तो ओपन हो जाएगा फिर से, और इधर जाएगी तो फिर से क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात हमने समझी। अब ये कह रहा है कि इजेक्टर मैकेनिज्म, ठीक है, तो इजेक्टर मैकेनिज्म क्या होगा, अभी हम पीछे मोल्ड में समझ चुके हैं। इसमें क्या होती है, एक नॉकआउट रोड होती है जो इजेक्टर प्लेट को धक्का या प्रेशर मारती है, इजेक्टर प्लेट में पिन लगी होती हैं, इजेक्टर पिनें लगी होती हैं, वो पिन क्या करती हैं, वो पार्ट से जॉइंट होती हैं, पार्ट से लगी होती हैं, और जैसे ही नॉकआउट रोड इजेक्टर प्लेट को पुश करेगी या धक्का मारेगी या प्रेशर लगाएगी तो इजेक्टर प्लेट कहाँ जाएंगी, इजेक्टर प्लेट आगे जाएंगी, यानी कि गति किस में करेंगी, अभी हमने देखा स्पेसर ब्लॉक में गति करेंगी, ठीक है, और आगे जब ये जाएंगी तो किसे प्रेशर करेंगी, इसे ये पार्ट को प्रेशर करेंगी, और पार्ट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर अपनी पोजिशन पर 0-0 पे फिर वापस इजेक्टर प्लेट चली जाएगी, ठीक। अब ये जो लगा हुआ है ये तो हमने अभी समझा था कि एक तो टॉगल होता है, एक तुम्हारा रेम होता है, हाइड्रोलिक रेम होता है, तो इस मशीन में आप देख सकते हो इसमें टॉगल टाइप लगा होता है, ठीक। इसकी पहचान क्या होती है, जब मोल्ड हमारा ओपन होगा तो ये टॉगल होगा, ये वी शेप में बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं ये बात करूँ कुछ इस तरीके से तो ये किस में बना होगा, ये यहाँ पर ये वी शेप बनी होगी जब मोल्ड ओपन होगा, और जब हमारा मोल्ड क्लोज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हमारी टॉगल वी शेप में होगी तो हमारा मोल्ड ओपन होगा, खुला होगा, जब ये स्ट्रेट हो जाएगी तो हमारा मोल्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी रही क्लैंपिंग यूनिट और ये तुम्हारी रही इंजेक्शन यूनिट, ठीक है। तो मैं आई होप कि आपको दोनों यूनिट ये समझ में आई होगी, और ये हमारी जो मोल्ड यूनिट है इसमें भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस आप जो भी ये ओवरव्यू आपको मिला है आप थोड़ा पढ़ के आएँ, क्योंकि मैं इससे अगली बार क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और जो भी आपके क्वेश्चन है, किसी कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं कि हम कैसे अपनी वीडियो को सुधार सकते हैं, आप कौन कौन सी मशीन चाहते हो कि आपको पढ़ाई जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।